afternoon. Good afternoon. मैं यहाँ पे आपको जो है एमएसएमई के रिगार्डिंग बैंक से रिलेटेड फाइनेंस से रिलेटेड बात बताने आया हूँ. एमएसएमई का मतलब है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस. जैसे कि यहाँ पे बताया गया था एसएमई, एसएमई होता है स्मॉल माइक्रो इंटरप्राइजेज, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज. मैं माइक्रो से शुरू करूँगा और उसको मीडियम तक ले जाऊँगा. सबसे पहले मैं आपको इसकी लिमिट बताऊँगा कि माइक्रो जो है 10 लाख रुपीज तक होता है और स्मॉल 10 से 2 करोड़ और मीडियम 2 से 5 करोड़ होता है. इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई तरह की स्कीम्स निकाल के हमारे को सुविधाएं दी हैं. उसमें जैसे कि मुद्रा, स्टैंड अप, स्टार्टअप, मेक इन इंडिया एंड स्किल इंडिया. सबसे पहले मैं मुद्रा से बात करूंगा जो कि माइक्रो तक का है. ये 10 लाख रुपीज तक का है और इसको भारत सरकार के मुद्रा PMMY प्रधानमंत्री मुद्रा की जो स्कीम है उसके तहत लिया गया है और जो शिशु, किशोर और तरुण के रूप में दिया जाता है. शिशु 50,000, किशोर 50 से 5 लाख एंड तरुण 5 लाख से 10 लाख. इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट MCLR होता है. MCLR जो बैंक अपना बेस रेट इस्तेमाल करता है उसके उसमें दिया जाता है और जो कि सबसे कम है. आज की डेट में बैंक का MCLR 8.40 है. तो ये मैंने बात करी है आपके से माइक्रो की और मुद्रा की. इसमें जो शिशु लोन है वो 50,000 तक का जो दिया जाता है वो आपको एक CC लिमिट के रूप में दिया जाता है. यानी इस ओवरड्राफ्ट को आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, क्या करेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. जो इसमें आपको कोई गारंटी नहीं देनी है. एक CGTMSE गारंटी फंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बना है. जिस दिन आप बैंक में जाएंगे आपको लोन इशू होगा ऑटोमेटिकली ये PMMY के गारंटी उसमें स्विच ऑन हो जाएगा. आपको इसके लिए कुछ नहीं करना है. ये बैंक नेशनलाइज बैंक जितने भी हैं वो सारे के सारे इसको अपने आप स्विच ऑफ हो जाएंगे. इसके बाद किशोर है जो कि 50 से 5 लाख रुपीज है. इसमें आपको अपना बिजनेस शो करना है कि मैं क्या बिजनेस कर रहा हूँ और कहाँ पे कर रहा हूँ और कैसे करूँगा और उसको किस तरीके से ले जाऊँगा. जैसे कि डब्बे वालों का नाम तो आपने सुना होगा मुंबई में. उन्होंने एक छोटे से उससे शुरू किया था, यानी उन्होंने एक शिशु से शुरू किया था और आज उनका टर्नओवर जो है वर्ल्ड में डब्बे वालों का किसी का इतना टर्नओवर नहीं है या जो हमारे टिफिन सर्विसेज वाले हैं जिनसे सबसे ज़्यादा. अब मैं करूँगा स्मॉल माइक्रो की बात होगी, अब मैं स्मॉल की बात करूँगा. इसके लिए स्मॉल और मीडियम दोनों को इसमें रखूँगा क्योंकि इसके लिए जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो स्टैंड अप, स्टार्टअप और मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया ये सब इसके MSME के तहत आएंगे. इसमें सबसे पहले मैं बात करूँगा स्टैंड अप की. स्टैंड अप जो है सिर्फ SC ST और वुमेन को दिया जाएगा. इसमें जो है इसका जो नेचर होगा सर्विस सेक्टर होता है, हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग, हो सकता है ट्रेडिंग, हो सकता है और होटल से रिलेटेड. जैसे आप कोई होटल उसमें लेते हैं, लीज पे लेते हैं, आपका खुद का नहीं, आप लीज पे लेते हैं उसको चलाना चाहते हैं तो वो भी जो है इसी में आएगा सर्विस सेक्टर में. इसमें प्राइवेट लिमिटेड, पार्टनरशिप, कोई सी फर्म भी आ सकती है. ये 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का होगा. इसमें आपको जो प्राइवेट लिमिटेड और पार्टनरशिप फर्म है उसके लिए उसमें एक पार्टनर SC ST OBC वुमेन कोई सा भी एक होना जरूरी है. जरूरी नहीं है कि सारे पार्टनर वुमेन्स हो,
सारे पार्टनर SC ST हो, सारे पार्टनर OBC हो, ऐसा नहीं है। उसमें से एक पार्टनर इस कैटेगरी का होना चाहिए और उस कैटेगरी में उसका 51% शेयर रहेगा। मान लो दो पार्टनरशिप फर्म है, तो एक दो पार्टनर है तो एक का 49 और दूसरे का 51% रहेगा। अगर चार पार्टनर है तो 51% शेयर SC ST और वोमेन का होगा। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने आपको बताया 8.40 MCLR प्लस 3%। ये आपकी रेटिंग पे डिपेंड करेगा, जैसे कि अभी इसमें बताया गया था कि उसकी रेटिंग से रिलेटेड आपको क्या क्या करना है और कैसे होगा। रेटिंग हम आपकी जो रेटिंग है वो आपके स्कोर पर डिपेंड करेगी कि आपका सिविल स्कोर और आपकी जो एक्सपीरियंस है, काम करने का तजुर्बा है, उससे रिलेटेड होगा। उसमें आपका स्कोर A180 से लेकर और C125 तक आएगा। Excuse me, sir. Yes, जो आपने भी बताया इसमें वन वुमन हो सकता है पार्टनर, तो पार्टनर जो है वो आउट ऑफ फैमिली भी हो सकता है या बाहर से होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, आउट ऑफ फैमिली भी हो सकता है। वो जरूरी नहीं है कि आपका घर उसका पार्टनर ही हो, घर का पार्टनर। इसमें आपको मार्जिन 25% का अपने पास से देना पड़ेगा। इसका रिपेमेंट शेड्यूल 7 ईयर्स का होगा और इसमें मॉनिटोरियम पीरियड आपको अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश करने के लिए 18 मंथ का मॉनिटोरियम पीरियड दिया जाएगा। मॉनिटोरियम मीन्स आप समझ गए होंगे कि आपको अपने बिजनेस को सेटअप करने के लिए कितना समय लगेगा। मैं उत्तराखंड से रिलेटेड बात करता हूँ। उत्तराखंड में अभी जो है पलायन नीति शुरू होने वाली है, आप लोगों ने सुना होगा कि पहाड़ से पलायन को रोका जाएगा। उसके रिगार्डिंग पहाड़ से पलायन को रोकने के लिए सर्विस सेक्टर और टूरिज्म के लिए, टूरिज्म को जो सर्विस सेक्टर में लिया गया है उसके लिए अभी जो उसमें उससे इससे पहले 25% की रिबेट मिलती है। 25% आपको गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिलेगी, मैक्सिमम 12.5 लाख रुपए गवर्नमेंट की तरफ से, सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म के लिए। टूरिज्म में जैसे आप टूरिज्म के होटल सेक्टर आ गया, आप जो है उसको ट्रांसपोर्टेशन दे सकते हैं खाना ले जाने के लिए, आपको इस तरीके की चीजों के लिए आपको जो है उसमें 25% की रिबेट है। और ये आपके जब आपका बिजनेस एस्टेब्लिश हो जाएगा तो उसके बाद आपको ये रिबेट मिलेगी। उसके लिए बैंक को एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि इनका जो हो गया बाकायदा इसमें ज्वाइंट कमेटी बैठेगी जो कि आपकी सब्सिडी रिलीज करेगी और उस सब्सिडी पे वो आपकी बैंकिंग डेट होगी, वो आपकी 3 साल तक बैंक में रहेगी और उस सब्सिडी पे आपको ना तो इंटरेस्ट मिलेगा और ना उन लोन अमाउंट पे इंटरेस्ट लगेगा। ये सब्सिडी है या रिबेट है? आप नहीं, सब्सिडी है सर, ये सब्सिडी है, ये रिबेट नहीं है। दूसरा, अभी मैं स्टैंड अप की बात कर रहा हूँ। स्टैंड अप में आपको जो आपकी इनकम आप जनरेट करेंगे, जो इससे इनकम जनरेट होगी वो 5 साल तक टैक्स फ्री रहेगी। इससे आप जो भी इनकम जनरेट करेंगे वो आपकी 5 साल तक टैक्स फ्री रहेगी। आपने इनकम को बताना है, उसका टैक्स भरना है, उसके आप बाद आपको उसका टैक्स रिफंड होगा, वो टैक्स फ्री रिबेट है। आपको उसके उसके टैक्स में आपको रिफंडेबल टैक्स होगा। इसमें अब मैंने इसमें एलाइड फार्मर से एलाइड एक्टिविटी, जैसे मान लो आप कोई खाद का निर्माण करते हैं या उससे कोई आप अपना वो बिजनेस शुरू करना चाहते हैं जो फार्मर से रिलेटेड है, फार्मर से रिलेटेड है एलाइड एक्टिविटी में, फार्मर से रिलेटेड है, या आप कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं फार्मर के लिए जो पहाड़ों में काम आता है, शहर में काम आता है, जैसे छोटी छोटी जगह पे जो है पावर टिलर काम आता है। Hello? तो उस तरीके की एलाइड एक्टिविटीज के लिए भी जो है इसमें इसको MSME में रखा गया है, एग्रीकल्चर से, एग्रीकल्चर की एलाइड एक्टिविटीज से रिलेटेड। इसमें आपको अपनी कोलेटरल सिक्योरिटी या थर्ड पार्टी गारंटी देनी होगी और या इसको अप्रूव कराना होगा CGTMSE के थ्रू, ताकि जो है अगर आपकी फर्म में कोई ऊंच नीच होती है या खुदा ना खास्ता कोई बात होती है तो
तो उसके लिए जो है सीजीटीएमएससी उसके लिए 80% की वो उसका भुगतान करेगी। उसके स्लैब में बताता हूँ आपको, सीजीटीएमएससी की फीस 1% पहले साल, 0.75% दूसरे साल, 0.50% तीसरे साल और 0.25% चौथे साल। ये आपको सीजीटीएमएससी की फीस है। और 0.25% जो है आपको उसमें जो आपका लोन अमाउंट है उस पर ये सीजीटीएमएससी फीस लगेगी। अब मैं बात करूंगा इसमें कि ये तो आपके 1 करोड़ तक की बात हो गई स्टैंडअप के लिए। स्टार्टअप इंडिया में आप कैसे ये आगे ले जाएगा, आपको कैसे ये हेल्प करेगा, उसी के लिए इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं। अंत में मैं चला था अकेला, लोग जुड़ते चले गए, कारोबार बनता चला गया। धन्यवाद।